ये है दिल्ली दर्पण। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां बदमाशों ने पहले तो एक युवक को बंदूक का वट मारा और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक इन युवकों को पहले घर से फोन करके बुलाया गया और फिर इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा इतना बड़ा कि बदमाशों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पीड़ित को शास्त्री पार्क जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक जांच में पीड़ित की हालत नाजुक देखकर गुरु तेग बहादुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि पुलिस इस पूरी वारदात को आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। हमारी लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने मेरे को फोन करके बुलाया, गोपालपुर में बुला रहे थे पहले मेरे को, आप यहाँ पे आ जाओ। तो मैं वहाँ गया नहीं, तो इन्होंने कहा तुम मंदिर पे आओ। मैं मंदिर पे गया तो जैसे मैं गया इन्होंने मेरे में मारना चालू कर दिया। मैंने एक दो को मारा, फिर मेरा दोस्त आ गया पास, फिर उसने बीच बचाव कराया तो उनने पिस्टल मार दी मेरे, उसके गोली मार दी। बजन पूरा खिचड़ी लगता है। कितने लोग बता रहे थे आप? 7। सबके हाथ में पिस्टल थी उस समय? 4-5 के। गोलियां चली थी, फायरिंग? फायरिंग उन्होंने हवा में नहीं मारी, सीधा इनके ऊपर ही मारी है। अब इस गोलीकांड की असली वजह क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि इन बदमाशों को कानून का कोई भय नहीं है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर